पंचायत के लक्ष्मीपुर बांध टोला में वज्रपात गिरने से धोनू चौधरी उम्र 60 वर्ष की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि धोनू चौधरी अपने मवेशी का चारा काटने खेत में गया था। इसी क्रम में तेज बारिश और वज्रपात होने से धोनू चौधरी की मौत हो गई। जब देर शाम तक वह घर नहीं आया तो शाम में उसके परिवार ढूंढने निकले तो धान के खेत में मृत बॉडी मिला। इतनी सी खबर सुनने के बाद पूरे गाँव में मातम छा गया। धोनू चौधरी भूमिहीन मजदूर क्लास का आदमी है, उसके पीछे वह अपने परिवार को छोड़ गए हैं। वहीं मोरसंडा पंचायत के मुखिया गोपाल कृष्ण बताते हैं कि बहुत गरीब तबका का आदमी है और इसको सरकारी लाभ मिलना चाहिए। फलका कटिहार से सरफराज आलम की रिपोर्ट। और अब हमारा सहारा कौन है चे? वही एगो सहारा रे बाबे। बोलो कैसे घटना घटी है? हम आज पूर्णिया गए थे, पूर्णिया आने के क्रम में हमको लक्ष्मीपुर 83 टोला से फोन गया कि यहाँ ठनका से एक आदमी का मृत्यु हो गया। तो हम आके अभी देखे हैं तो सही में ठनका से इनका मृत्यु हुआ है धान खेत में, चूंकि वह हुआ है पहले, इनको खोजते खोजते मिला है अभी। तो ठनका से पूरा शरीर जल गया है और अभी इससे पहले भी हम सीओ साहब से बात किए तो वह बोले कि जाके देख लीजिए क्या मामला है। आए हैं देखने के लिए तो मामला सही है और कल सवेरे थानाध्यक्ष से भी बात किए हैं, पोस्टमार्टम होगा और इनको जो भी सरकारी लाभ है इनको मुहैया कराया जाएगा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम गोपाल कृष्ण, मुखिया मोरसंडा फलका कटिया। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।